तो हाय, तो हाय टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड मैनी मोर। तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि एक सीरियस टॉपिक है और ऑलमोस्ट 10% ऑफ इंडियन के साथ ये बीत चुका है, फ्लिपकार्ट पर होने वाले फ्रॉड के बारे में। और अगर ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं होता तो मैं शायद ये वीडियो भी नहीं बनाता। और ये फ्रॉड हुआ है मेरे एक दोस्त के साथ जिसने एक मोबाइल फ़ोन मंगाया था, वो भी तुम समझो कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए एक साथ जो पूरे 6-8 महीनों की जो मेहनत की जो कमाई से पैसा बचाया होता है वो पैसा जाना क्या होता है, वो एक मिडिल क्लास पे बीतती है। अमीर लोग तो कहीं से भी पैसा कमा लेते हैं लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान के लिए पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट पर होने वाले फ्रॉड के बारे में। तो बात कुछ ऐसी है कि फ्लिपकार्ट कर रहा है बहुत सारे फ्रॉड्स। कहते हैं कि इस सेल में फ्लिपकार्ट ने हर एक मिनट में 17 स्मार्ट एप्पल फ़ोन्स बेचे हैं। और इसी के साथ बहुत सारे लोगों के पास फ्रॉड हुआ है। फ्लिपकार्ट बताता है कि यह फ्रॉड डिलीवरी मैन ने किया है। तो क्या डिलीवरी मैन का डेटा नहीं होता आपके पास? आपके पास उसके कोई बायोडाटा के बिना है उसको रिक्रूट कर लेते हैं। आपको नहीं पता होता है कौन सा डिलीवरी मैन कौन सा पार्सल लेके गया है। ये मजाक रहने दो कि डिलीवरी मैन ने किया है क्या है, ये फ्रॉड, ये पूरा के पूरा फ्रॉड फ्लिपकार्ट कर रहा है। ये कोई एक बंदे का काम नहीं है, समझो। तो इसी के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई ऑनलाइन को सबको टारगेट नहीं कर रहा, अभी ऐसा नहीं कह रहा कि अमेज़ॉन में फ्रॉड नहीं होता, लेकिन आज मेरे थंबनेल में आप फ्लिपकार्ट देख कर आए हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ होगा, आपके साथ भी थोड़ा अंदर से डर होगा कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। अगर आपने कोई डिलीवरी मंगाई है और कैश ऑन डिलीवरी कर दिया है तो ऑर्डर कैंसिल कर दो और पैसा वापस ले लो, फ्लिपकार्ट पैसे मंगाओ, चाहे वो आपको 2000 का डिस्काउंट दे देगा। एक मिडिल क्लास इंसान किसके पीछे आता है? डिस्काउंट के पीछे आता है। तो अमीर इंसान को डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, उसको जो चीज़ जैसे मिलती है उसको चाहिए ही चाहिए, चाहे उस पर डिस्काउंट हो या ना हो। अमीर लोगों को मिल जाती है ऐसी चीज़ें, गरीब लोग ही डिस्काउंट के पीछे आते हैं और उस डिस्काउंट को दिखाता है ये बड़ी बड़ी कंपनी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की तरह। मेरा अमेज़ॉन पर कभी फ्रॉड नहीं हुआ है लेकिन फ्लिपकार्ट पे हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे दो दोस्त जिन्होंने एक स्मार्टफोन मंगाया था, पेमेंट करने पर उनको बेनिफिट दिया जा रहा था तो उन्होंने पेमेंट किया है और फ़ोन बहुत ही बुरी कंडीशन में स्क्रैप फ़ोन उनको भेजा गया है। और फ्लिपकार्ट पर बात करने से कहते हैं कि ये डिलीवरी मैन ने किया है। तो हम जब बचपन में गलती करते थे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स लेते थे ना, तो क्या ये फ्लिपकार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनका डिलीवरी मैन अगर फ्रॉड करता है तो उसको कोर्ट तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है? क्या हम ले जाएंगे उन्हें कोर्ट तक? क्या हम उन पर केस करें? ये फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि हमारे पास प्रूफ है उस बॉक्स में से फ़ोन स्क्रैप निकला है। तो आपकी जिम्मेदारी हुई ना ये, हम क्यों जिम्मेदारी ले इस चीज़ की? अगर हम आज इंडिया इसीलिए पीछे है कि ये लोग फ्रॉड करते हैं, ये करप्शन है, ये एक करप्शन है फ्लिपकार्ट का। ये इंडिया को अंदर से ही, मतलब समझो कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो इतनी मेहनत से, अगर कोई भी मजदूर इंसान अगर 10,000 का फ़ोन 8,000 में मिलता है तब वो लेने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसों की कमी होगी और उसी के साथ ये लोग खेलते हैं। अगर डिलीवरी मैन का बायोडाटा आपके पास नहीं है तो किसके पास है? आप थर्ड पार्टी डिलीवरी कराते हो पर फिर भी आप बिना गारंटी के आप थर्ड पार्टी डिलीवरी कैसे कराते हो? अगर फ्रॉड हो रहे हैं तो उनके पास डिलीवरी क्यों करा रहे हो? और डिलीवरी कराने पर क्या कोई पेपर वर्क नहीं होता? अगर फ्रॉड हुआ तो क्या होगा? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम ही आपके पास से प्रोडक्ट ले, हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले प्रोडक्ट की, हम ही डिलीवरी कर देते हैं, हाँ ऐसा ही चल नहीं, हम ही डिलीवरी भी कर देते हैं, आप करोगे क्या? तो अगर हम ही को प्रोडक्ट लेना है तो हम ऑफलाइन से नहीं ले लेंगे। आप अच्छी ऑफर दे रहे हो तो हम आपके पास से ख़रीद रहे हैं, तो आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे पास प्रोडक्ट आप भेजो, वो भी सही कंडीशन में, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से ये फ़ोन्स ख़रीदते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम कैश ले सकें।
और हम इतने अवेलेबल भी, हमें इतने एलिजिबल भी नहीं होते कि हमारे ऊपर EMI हमें मिल जाए। हम मिडिल क्लास के भी वो सेकंड लास्ट वाला लेयर होता है ना, वहाँ से होता है। अगर आप नहीं दे सकते तो मत बेचो। अगर आपके वहाँ फ्रॉड 10% हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रॉड है। अगर आप 100 स्मार्टफोन्स बेचते हो और 10 नहीं पहुँचते, तो 10 ना पहुँचना आपके लिए बहुत बुरी बात होती है। या आप नहीं समझ रहे, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आपके साथ हुआ होगा या होने वाला होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। फ्लिपकार्ट से मत मंगाओ कोई चीज़, क्योंकि कोई चीज़ गलत आने पर हम तो सोच लेते हैं ये ऑनलाइन में कोई फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ये एक साइड बिजनेस है पूरा, कि आप स्मार्टफोन मंगाओ, आपको कोई स्क्रैप फ़ोन दे दिया जाए जिसकी वर्थ वैल्यू 500 भी नहीं होती, और आपको वो चिपका दिया जाता है, और पूरा आपका जो भी आप 15, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार का जो भी फ़ोन मंगाते हो, उसकी जगह आपको 500 रुपये का भी स्क्रैप मिल जाए, 500 रुपये का भी नहीं होता वो स्क्रैप दिया जाता है। तो आप समझो कि ये 50 हज़ार का स्मार्टफोन अगर गायब होता है तो क्या सिर्फ एक डिलीवरी मैन लेकर भाग जाता है? और ऐसा एक जगह पे नहीं हुआ, आए दिन इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब जगह पर वीडियो दिखाए जाते हैं। अगर वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो वो किसी एक साथ, एक जन के साथ नहीं हुआ, या 10 जन के साथ नहीं हुआ, वो फ्लिपकार्ट के 10% लोगों के साथ होता है। 10% लोग स्मार्टफोन मंगाते हैं, 10% से भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं तो। अगर कोई चीज़ आप तक पहुँच रही है तो ऑलरेडी वो सबके साथ हो चुकी है। तो उसके लिए मैं आज एक इनिशिएटिव कह रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट से मत मंगाओ चीज़ें, और कोई जगह से मंगा लो। और मैं मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन मार्केट कह रहा हूँ, ऑफलाइन मार्केट से मंगाओ। और अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर फ्लिपकार्ट से ही मंगाना पड़ रहा है, तो फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी मंगाओ। और मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप छोटी चीज़ें मंगा लो, कोई टेंशन नहीं है, अंडर 1000 आप चीज़ मंगा लो, वो आपको इतना मतलब इफ़ेक्ट करेगी नहीं। लेकिन किसी भी महंगी चीज़, अगर कोई भी चीज़ आप अगर महंगी मंगा रहे हो, बी अवेयर कि आपके साथ भी फ्रॉड हो सकते हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लिपकार्ट नहीं लेगी। तो यही मैं आज के मेरे वीडियो के थ्रू ये मैसेज देना चाहता था। और जो दोस्त के साथ मेरा ये फ्रॉड हुआ है, उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और उसने पूरा वीडियो, अनबॉक्सिंग का वीडियो भी है उसके पास, कैसा घटिया किस्म का उनको दिया गया था पैकेजिंग। पैकेजिंग बाहर से बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से कोई मतलब समझो थर्ड कैटेगरी का उनको दिया गया है पैकेजिंग। और पैकेजिंग के बाद भी अंदर भी कुछ ढंग की चीज़ नहीं निकली है, समझ रहे हो आप? तो मैं वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो आप देखिए, समझिए कि एक मिडिल क्लास इंसान पर क्या बीतती है अगर उसके पैसे चले जाते हैं तो, जो क्या उसने कई महीनों मेहनत करके कमाए होते हैं। तो आज के साथ, इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा अगर फ्लिपकार्ट कर रहा है फ्रॉड, तो अवेयर रहे।